हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं करिश्मा फ्रॉम लिटिल गार्डन से, तो आपका स्वागत है करिश्मा के इस लिटिल गार्डन में। आज का जो मेरा वीडियो है, ये पान का प्लांट होता है। ये पान है जो हम खाने में भी यूज़ करते हैं, तो ये वही प्लांट है मेरा। तो आज का मेरा टॉपिक है इस पान के प्लांट पे। इसे बिटर लीफ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इस प्लांट की कुछ जानकारी दे दूं मैं आपको, जो मुझे पता है। तो ये पान का प्लांट मेरी मदर इन लॉ ने लाया था इधर करीब 1-2 साल पहले। ये मेरे यहाँ आया है मेरे गार्डन में। तो यहाँ पे जब ये आया था तो ये बहुत ही छोटा था, इसमें बहुत सारे इस टाइप लीव्स भी नहीं थे। और गर्मियों में तो ये मेरा प्लांट है वो पूरा ख़राब हो गया था, पर अभी जब मॉनसून स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा सर्वाइव कर गया और ये अच्छी तरह से ये खिल गया है। मैं इसकी प्रूनिंग वगैरह अच्छी तरह से करती रहती हूँ ताकि ये पूरा ग्रोथ ले ले। अब इस ये मैं बेल के रूप में इसे मैं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे कट कर देती थी, पर अब मुझे इसे लंबा करना है, तो ये मैं बेल के रूप में इसे बढ़ा रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लांट का जो प्लांट होता है, हम इसे इंडोर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है इसे छाव बहुत पसंद है और ये छाव में बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा। इसे बहुत धूप अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए इसे गर्मी में संभाल के छावदार जगह पे रखना चाहिए। तो इसके पत्ते ख़राब हो जाएंगे गर्मी में, अगर आप इसे धूप में रखोगे तो ये पूरे पत्ते ख़राब हो जाएंगे। पान का ये प्लांट घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मैंने ऐसा भी सुना है कि ये प्लांट घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने कटिंग से भी इसे ग्रो किया हुआ है, 1 महीना ही हुआ है मैंने इसकी कटिंग लगाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने कैसे लगाई। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, बॉर्डर कट करके मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी। इसके ऊपर एक भी पत्ता मैंने रखा नहीं था, सब तोड़ लिए थे, पर अभी इसमें एक पत्ता भी आ गया है और एक और पत्ता भी आने वाला है। मतलब ये मेरा ग्रो हो, मतलब कटिंग से ये लग गया है। तो आप इस तरह से इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो बेल होती है उसके पत्तों में सभी पत्ते के पास इसकी एक रूट्स होती है जहाँ से ये ग्रो कर जाता है। तो इसकी मिट्टी की बात कर ले तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी गीली रहनी चाहिए, बहुत गीली भी नहीं, मॉइस्चर थोड़ा वाटर इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसको नमी पसंद है। और आप इसे सुबह वाटरिंग करें ये प्लांट को, तो उसके ये जो पत्ते हैं वो सब आपको पूरी अच्छी तरह से नहलाने हैं, ताकि ये पत्ते में से भी पानी एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इसे मॉइस्चर पसंद है। तो अगर आप इस टाइप से इसे शावरिंग करोगे तो ये प्लांट के पत्ते इसी तरह से ग्रीन ग्रीन और बहुत ही हेल्दी लगेंगे। इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर दे तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं देना है हमें, सिर्फ हमारी फेवरेट गोबर की खाद इसे महीने में 1-2 बार आप दे दें, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें। इसे वर्मी कंपोस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा। अभी मॉनसून स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मॉनसून और विंटर के सीज़न में तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके गार्डन में हो जाएगा। गर्मियों में यह लाना भुलाओगे तो मरने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत धूप में ये प्लांट नहीं रह पाता। आपको टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहना है। मैंने ये जो आप इतनी ग्रोथ देख रहे हैं मेरे प्लांट पे, तो ये प्रूनिंग का ही नतीजा है फ्रेंड्स। इसकी प्रूनिंग करते रहोगे
तो जहाँ से प्रूनिंग करोगे वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकल जाएंगे और आपका प्लांट मतलब आपका गमला भी इसी तरह से ये पान के प्लांट से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी और प्लांट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, मैं आपकी कमेंट देख के भी मैं वीडियो बना दूँगी। तो फ्रेंड्स बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।